हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू बीएनपी कैंपस। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट देयर। ठीक है ना, तो एक छोटा सा टॉपिक देयर है जिसके बारे में हम लोग को डिस्कस करना है आज। तो चलिए, क्या तैयार है आप सभी लोग? चलिए डिस्कस कर लिया जाए। देखिए, देयर देयर क्या है बालक? एक ये इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है, ठीक है ना। वैसे देखा जाए तो देयर एक एडवर्ब भी है जिसका अर्थ वहाँ होता है, ठीक है, और एक सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस करता है। देखिए इंग्लिश में क्या है बालक ना, जैसे हमने बोल दिया कि एक राजा था। अब इसमें सेंटेंस आता है कि कौन एक राजा था, तो जवाब में कुछ नहीं मिलता है। तो जहाँ पर इस प्रकार के सेंटेंस आते हैं वहाँ पे हम लोग देयर का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना, कि देयर वाज अ किंग, एक राजा था। आइए देखते हैं हम लोग। जैसे कि देखिए, लड़का है। देखिए अब हम लोग इसके अनुसार लगाते हैं। देखिए इस संज्ञा के अनुसार हम लोग हेल्पिंग वर्ब इज लगाते हैं, ठीक है ना। अब इसमें देखिए सब्जेक्ट दिया हुआ नहीं है बालक। जब कर्ता नहीं दिया हुआ रहता है तो हम किसके अनुसार लगाते हैं? उस संज्ञा के आधार पर लगाते हैं हेल्पिंग वर्ब को। सॉरी, इसलिए यहाँ पे लगाया जाता है कि देयर इज अ बॉय। देखिए दो लड़के हैं। अब देखिए देयर, अब दो लड़के प्लूरल हो गए इसलिए यहाँ पे आर लगा हुआ है, तो देयर आर टू बॉयज। जो लड़के हैं देयर आर बॉयज। 10 पेड़ हैं देयर आर 10 ट्रीज। पानी है देयर इज वाटर। अब यहाँ था रहता तो देयर वाज हो जाता, पानी था। देखिए जैसे देयर वाज वाटर, यहाँ लड़का है देयर इज अ बॉय हियर, यहाँ देखिए, ठीक है ना, वहाँ लड़का है तो देखिए देयर इज अ बॉय, और वहाँ की स्पेलिंग हुई फिर से देयर, तो यहाँ देयर ये वाला एडवर्ब हो गया वाला, ठीक है। देखिए नेट, जैसे बहुत छोटा सा टॉपिक है, ठीक है ना, बहुत बड़ा नहीं है। तो जैसे देखिए एक मंदिर है तो हम लोग कहते हैं देयर इज अ टेम्पल, ठीक है। देखिए एक मंदिर, इसमें सब्जेक्ट नहीं दिया होगा, लेकिन सब्जेक्ट नहीं दिया रहता है तो हम लोग क्या करते हैं इसी तरीके से फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक, कि देयर इज अ टेम्पल। जैसे बाग में एक मंदिर है तो देयर इज अ टेम्पल इन द गार्डन। कमरे में दो लड़के हैं देयर आर टू बॉयज इन द रूम। बक्से में एक सेब है देयर इज एन एप्पल इन द बॉक्स। नदी में पानी था देयर वॉज वाटर इन द रिवर। मेरे प्याले में चाय है देयर इज टी इन माई कप। वाह वेरी गुड। सड़क पर एक बिल्ली है, देखिए एक बिल्ली है पहले बना लेंगे, देयर इज कैट, कहाँ पर भाई? अंदर रोड हो गया। सुन, अगर इसकी निगेटिव सेंटेंस की बात करें बालक, अगर संख्या दिया हुआ है, संख्या हो तो नॉट का प्रयोग लगाते हैं, संख्या अगर न हो बालक तो नो का। सीधे बात समझिए कि अगर अनकाउंटेबल नाउन होगा तो नो का, काउंटेबल नाउन होगा तो नॉट का प्रयोग करते हैं निगेटिव सेंटेंस में। नदी में पानी नहीं है, देखिए देयर इज नो वाटर, ठीक है ना, वहाँ लड़के नहीं थे देयर वर नो बॉयज देयर। देयर वर नॉट फोर, देखिए यहाँ काउंट कर सकते हैं हम, फोर नंबर दिया हुआ है, तो देयर वर नॉट फोर काउज देयर। कुएं में सांप नहीं है देयर इज नो स्नैक इन द वेल। इंट्रोगेटिव में क्या करना है बालक? बस उसी हेल्पिंग वर्ब को पहले कर देना है कि इज देयर अ टेम्पल इन योर विलेज, क्या आपके गांव में एक मंदिर है? देखिए क्या वहां पानी नहीं था, वाज देयर नो वाटर देयर। इस बगीचे में फूल क्यों नहीं है, वाई आर देयर नो फ्लावर्स इन दिस गार्डन, ठीक है। देखिए बेसिकली ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है, ये आप लोग सॉल्व करिएगा देख के, ठीक है ना, अगर कोई भी दिक्कत आए तो बताइएगा, ठीक, समझिए जी बालक। अब देयर का प्रयोग हम लोग ऐसे सब्जेक्ट, जैसे मैं अगर ऐसे बोलूँ, देखना कि हाउ मैनी, मैं अगर इसी को बोलूँ हाउ मैनी टाइप्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच, तो आप इसका आंसर करेंगे देयर से करते हैं कि देयर आर 8 टाइप्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। आई बात समझ में? देखिए इसीलिए इसको बोला जाता है इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट, ठीक है ना। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप बिना झिझके बिना सोचे पूछिए हमसे, ठीक है ना। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। चैनल पर नया है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। मैं खोज रहा हूँ कहाँ गया भाई, ठीक है।